वेलकम टू DQ UK। सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ इस चैनल में। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई थी और ये अपडेट्स जो हैं 19 जुलाई से यानी कि अब आप इम्प्लीमेंटेशन होगी। UK वालों ने कुछ कंट्रीज़ को अम्बर लिस्ट से ग्रीन लिस्ट और ग्रीन लिस्ट से रेड लिस्ट में इंसर्ट किया है, तो उसकी डिटेल जो उनके ऑफिशियली जो साइट है वहाँ से मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही जाकर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपने www.gov.uk पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पर रेड लिस्ट मेंशन करना, और या ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि रेड लिस्ट के अंदर है और उसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग हुई है, कौन कौन से कंट्री रेड लिस्ट से निकल के अम्बर लिस्ट और ग्रीन लिस्ट के अंदर जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये क्यूबा नज़र आ रहा है, ये अम्बर लिस्ट के अंदर है, तो इसको जो है 19 जुलाई से ये रेड लिस्ट के अंदर इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ इंडोनेशिया, ये अम्बर लिस्ट के अंदर था, इसको जो है इसको भी रेड लिस्ट के अंदर ये अगेन पुट कर रहे हैं। म्यांमार है, ये भी अम्बर लिस्ट के अंदर था, इसको भी रेड लिस्ट के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कंट्रीज़, उनको जो ग्रीन अम्बर लिस्ट के अंदर थे उधर से निकाल कर रेड लिस्ट के अंदर इसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, अम्बर लिस्ट कंट्रीज जो है उसकी उसमें कौन कौन सी चेंजिंग कर रहे हैं। अपकमिंग जो चेंजिंग होगी ये 19 जुलाई से ये चेंजिंग होगी। अब इसके अंदर जो बल्गारिया है ये बल्गारिया अम्बर लिस्ट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह जो क्रोशिया था वो ग्रीन लिस्ट के अंदर था बट अब इसको अम्बर लिस्ट के अंदर इंटर कर, हांगकॉन्ग है और इंडोनेशिया है, इन दोनों को भी ये अम्बर लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर पाकिस्तान का या इंडिया का या बांग्लादेश का इनमें से कोई जिक्र नहीं है। अगर एशिया की बात करते हैं म्यांमार है और इसके अलावा और कोई भी कंट्री जो है वो नहीं है, यानी कि मीन्स के पाकिस्तान और इंडिया अभी तक स्टिल जिस पोजिशन में थे रेड लिस्ट के अंदर वो वहीं के वहीं हैं। और अगर ग्रीन लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग इन्होंने की है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं कि ग्रीन लिस्ट से निकाल कर अम्बर लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नई डेवलपमेंट्स थी, ये 19 जुलाई से ये चीज़ें सारी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंशाल्लाह आपको लाजमी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे चैनल को प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।